पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने यकीन दिलाया है कि पीएसएल में बैटिंग कंपनी जुआ खेलने वाली कंपनी से मुआहिदों का बाब बंद कर दिया जाएगा। नजम सेठी ने कहा कि मैंने ओहदा संभालने के बाद देखा कि बोर्ड और फ्रेंचाइजीज ने स्क्रू गेट बैटिंग कंपनीज को इजाजत दी हुई है, उन लोगों ने कानूनी आरा भी ली थी। अलबत्ता मीडिया में बात हो रही है पीएसएल 8 खत्म होने पर तमाम मुआहदों पर नजरसानी करेंगे। हमने फ्रेंचाइजीज को भी लिख दिया है कि इस मामले को बड़ी बारीकी से देखा जाए, चाहे कितना ही मुनाफा बख्श क्यों ना हो, हम अपने मजहब और सकाफत और मुल्की कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि पीएसएल 8 को जबरदस्त पजीराई हासिल हुई, रिकॉर्ड टिकट फरोख्त हुए, क्राउड 95% रहा, जिस पर पुरस्कारों का शुक्रिया अदा करते हैं। टीवी और डिजिटल रेटिंग भी बेहतरीन रही, इवेंट ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। नजम सेठी ने कहा कि पीसीबी 70 करोड़ टैक्स देता है, मजमुई तौर पर अरबों का कारोबार होता है, यहाँ पुलिस को अखराजात देने की बात होती है, इस तरह की सरगर्मियों के लिए तो जेब से देने चाहिए। एयर चीफ ने सामान की मुंतकिली के लिए C-130 जहाज दिया, उनके शुक्रगुजार हैं। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।